नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज अध्ययन करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य। इसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं दो यूनिट तक। प्रथम प्रश्न पत्र बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोग पहला पेपर दो यूनिट तक हम लोग क्या किए हैं, अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, वो हमारा क्या है, शिक्षा और समकालीन भारतीय समाज। क्या है शिक्षा, मतलब कि हमारा जो समकालीन भारतीय समाज है उसमें हमारी शिक्षा कैसी है, हमारा भारतीय समाज जो है वो हमारा समाज कैसा है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि अगर हम देखें कि भारतीय समाज, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या अध्ययन करेंगे, भारतीय समाज या हमारा समाज कैसा है। तो समाज अगर हम कहें कि समाजशास्त्र की दृष्टि से समाज जो हमारा है वो क्या है, एक अमूर्त संप्रत्यय है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है। जो हमारा समाजशास्त्र है, जैसे कहा जाता है कि हमारा एक समाज है, तो जो हमारा समाज है वो क्या है, एक दूसरे एक जाल है, कोई ना कोई एक दूसरे से आपस में संबंध है, वो आपस में जुड़ा हुआ है। इसी को हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के संबंधों से एक हमारा समाज जो क्या है, वो एक जाल है। परंतु सामान्य प्रयोगों में सामाजिक संबंधों में बने सामाजिक समूह को समाज कहते हैं। कहने का मतलब समझिए कि आपस में जो हमारा जो भी समाज है, वो समाज आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं आपस में संबंध उनका होता है, उनको हम क्या मानते हैं, एक समाज मानते हैं, एक समाज कहते हैं। आगे हमारा भारतीय समाज इसी प्रकार एक समाज है। हम अगर इसी समाज को, इसी संबंध को, आपस में एक दूसरे से जाल है, उसको जब जुड़ा हुआ हो रहता है एक दूसरे से व्यक्ति, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं कि समाज, यही हमारा क्या है, समाज है। आगे हम कहें कि वर्तमान में हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली चलती है। अगर हम कहें कि हमारे देश में कैसी शासन प्रणाली चलती है, या हमारे समाज में कौन सी, हमारा जो देश है उसमें कौन सा शासन प्रणाली चलता है, तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली चलता है, जो कि यह हमारे समाज की किसी भी व्यक्ति से, हमारा जो भी समाज है उसमें किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। ये नहीं हम कहेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति अगर इस जाति का है तो हम इससे दूर रहें, या फिर हमारे ये समाज का नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा समाज कैसा है, लोकतंत्रात्मक समाज है। और लोकतंत्रात्मक समाज का मतलब होता है कि कहीं भी हम उसको जाति धर्म भेद, मतलब जाति धर्म संस्कृति वर्ग, इनके आधार पर उनको हम बांट नहीं सकते हैं, सबको क्या करेंगे, एक समूह में एक साथ संबंध एक साथ जोड़ करके उनको लेकर के अपने समाज को हम लेकर के चलते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। आगे देखिए क्या है कि हम कह सकते हैं कि भारत का संपूर्ण जनसंख्या, जितनी भी हमारे भारत की जो भी जनसंख्या है, वो क्या है, एक भारतीय समाज है। यहाँ तक आप हम समझ रहे हैं, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए क्या है, आगे है उसी में टॉपिक कि वर्तमान भारतीय समाज क्या है। समाज के बारे में हम आपको क्लियर कर दिए कि समाज हमारा कैसा है, संबंधों का जाल है, हर एक समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो भी मानव है, जो भी हमारा समाज है, जो भी व्यक्ति हैं, एक दूसरे से जाल है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का संबंध है। आगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वर्तमान भारतीय समाज हमारा कैसा है, वर्तमान भारतीय समाज हमारा क्या है। आइए देखते हैं इसमें क्या है कि वर्तमान समाज हमारा जो इस समय का जो प्रेजेंट जो हमारा जो समाज है, वर्तमान समाज गतिशील है। क्या है, गतिशील है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारा जो भी है, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से गतिशील है, ये समाज हमारा ख़त्म होने वाला नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि इसका विकास कभी सकारात्मक होता है और कभी क्या होता है, नकारात्मक होता है। कभी कभी पॉजिटिविटी आती है, कभी कभी निगेटिविटी आती है। जैसे कहा जाता है ना, किसी में बहुत अच्छाई होती है तो किसी में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो वही कह रहा है कि इसका विकास कभी सकारात्मक होता है और कभी नकारात्मक होता है। क्लियर हो रहा है कि एक पॉइंट, आप लोग नोट करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जब कोई समाज विकास की ओर उन्मुख होता है, उन्मुख का मतलब कि जब कोई भी हमारा समाज होता है, जो हमारा विकास करता है, विकास की तरफ जब अग्रसर जब होता है, तो वही कह रहा है कि जब कोई समाज हमारा क्या है, विकास की ओर उन्मुख होता है, तो उसे हम उद्यमान समाज, कैसा कहते हैं, उद्यमान समाज या उद्यमान भारतीय समाज उसको हम कहते हैं, कि वो आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, उसमें विकास हो रहा है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उद्यमान भारतीय समाज या उद्यमान समाज कहते हैं। आगे क्या है कि हमारा वर्तमान समाज उद्यमान समाज है। क्यों हमारा उद्यमान समाज है, क्योंकि हमारा जो भारत जो है, हमारा जो समाज जो है, ये क्या है, विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है या आगे विकास कर रहा है। तो जब कोई चीज़ अगर विकास होगी, हमारा समाज अगर विकास करेगा, तो उसको हम कौन सा विकास कहेंगे, उद्यमान, कौन सा समाज कहेंगे, तो उद्यमान समाज कहेंगे।
तो हमारा भाव क्या है, हमारा वर्तमान समाज या हमारा समाज कैसा है, तो उद्यममान है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या है कि जैसे कि वर्तमान समाज जो हमारा है, इसमें अगर हम कुछ अगर इसको जाने कि वर्तमान समाज और क्या है, इसको और डिटेल से अगर जाने का प्रयास करें, तो उद्यमान समाज से तात्पर्य उस समाज से है जो अच्छाइयों को स्वीकार कर रहा होता है। कि हमारा जो वर्तमान जो समाज होता है वो क्या करता है, जैसे होता है ना कि समाज में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, जो कि ऊपर टॉपिक पे है कि नकारात्मक भी होता है सकारात्मक भी होता है। उसी तरह से अगर हम कहें तो उद्यमान समाज जो हमारा है, उद्यमान समाज से जो तात्पर्य है उस समाज से है जो अच्छाइयों को स्वीकार करता है, बुराइयों को क्या करता है, छोड़ देता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों को स्वीकार करने का प्रयास करता है, अच्छाइयाँ स्वीकार करता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि अच्छाइयों को स्वीकार करता है और ऊर्ध्वगामी विकास, किसमें ऊर्ध्वगामी विकास, उन्मुख पथ मतलब और ऊपर जाता है, आगे बढ़ता है, उन्मुख पथ की तरफ अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, हमारा विकास होता है। ऐसे समाज को उद्यमान भारतीय समाज कहते हैं। आपको हम ऊपर बता दिए थे कि उद्यमान समाज कहते हैं या उद्यमान भारतीय समाज कहते हैं। हमारा जो भारतीय समाज है, हमारा जो समाज है वर्तमान जो भारतीय समाज है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो उद्यमान भारतीय समाज कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे आइए, वर्तमान भारतीय समाज के मुख्य अभिलक्षण या मुख्य स्वरूप, कि हमारा जो वर्तमान भारतीय समाज है उनके लक्षण क्या हैं, उनके स्वरूप क्या हैं, वो कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखिए क्या है, एक एक चीज़ क्लियर तो हो रहा है, अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसको बताने का प्रयास करेंगे, समझा देंगे और क्लियर। आगे देखिए क्या है कि समाज परिवर्तनशील है, ये भी सही बात है कि हमारा समाज गतिशील भी है। यहाँ देखिए क्या था, हमारा समाज गतिशील है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि समाज परिवर्तनशील है, सही बात है। हमेशा समाज में हमारे क्या होता है, परिवर्तन होते हैं, नए नए परिवर्तन होते हैं, नए नए खोज होती है हमारे समाज में। ऐसा नहीं है कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उसी में रह जाता है, हमारे समाज में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि हमारा समाज या समाज परिवर्तनशील है, हमेशा इसमें बदलाव होता रहता है, सिर्फ परिवर्तन मंद या तीव्र होता है। ये जो इसमें जो समाज में परिवर्तन होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से हो जाती है, बहुत तेज़ी से बदल जाती है, और कभी कभी कोई चीज़ें हम जिस पे जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को अगर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं या किसी चीज़ की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाएगी, और कभी कभी क्या होता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते वो चीज़ें हो जाती है हमारे समाज में, और कभी कभी कुछ चीज़ों के बारे में हम सोच करके भी उसको नहीं कर पाते हैं, हमारे संसाधन नहीं मिल पाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके कारण वो मंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि मंद हो रहा है, ये जल्दी नहीं हो पा रहा। तो वही कहा जा रहा है कि सिर्फ परिवर्तन मंद या तीव्र होता है, कि इसमें मंद गति से भी हमारा समाज उद्यमान होता है, बढ़ता है, और तीव्र गति से भी। आगे देखिए क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जब हमारा स्वतंत्रता हुआ था, जब हमारे स्वतंत्र हुए थे, जब हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो वही कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे भारतीय समाज में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है। जब स्वतंत्रता हुई थी उस समय से लेकर के अगर हम आज के भारतीय समाज को अगर हम तुलना करें तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए, हम उसकी कल्पना भी नहीं किए थे उस समय हम उसकी कल्पना भी नहीं किए थे कि आज हम जिस समाज में हैं, आज हम जैसे भेष में हैं, जैसे हम समाज है, हमारा जो भारतीय समाज है, हमारा जो आसपास का जो समाज है वो इतना विकास कर देगा, हम इसके बारे में कल्पना नहीं किए थे। और आगे और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही हो गया अब इसके बाद कोई विकास नहीं होगा या फिर इसमें समाज में हमारे परिवर्तन नहीं होगा, आगे और भी हो सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे भारतीय समाज में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है। आज वर्तमान समय में 2020 का स्वतंत्र रूप और बीते हुए काल 1947 का स्वरूप दोनों में भिन्नता है। जो हमारा 1947 में स्वतंत्र हुआ था भारत, और आज हमारा वर्तमान समय 2020, कौन सा समय 2020, तो 2020 और 1947 से अगर हम तुलना करें तो इसमें इन दोनों में बहुत सारे भिन्नताएं हैं, उन स्वरूपों में दोनों में बहुत भिन्नताएं हैं। आगे देखिए क्या है, जैसे कि वर्तमान भारतीय समाज के स्वरूप निम्नलिखित है, अब इसके बारे में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, हम आपसे बताएं कि बहुत सारे इसमें परिवर्तन हुए, भौगोलिक परिवर्तन हो गए, सांस्कृतिक परिवर्तन हो गए, आर्थिक परिवर्तन हो गए, राजनीतिक, एक एक पॉइंट को देख लीजिए कि सामाजिक स्वरूप, कि हमारे समाज में कैसा परिवर्तन हुआ, हमारा समाज कैसा बदल गया। दूसरा है सांस्कृतिक स्वरूप, कि हमारी संस्कृति कैसे बदली,
पहले कैसी संस्कृति थी, अब कैसी संस्कृति, संस्कृति में हमारे कैसे बदलाव हुआ, धार्मिक स्वरूप, हमारे जो धार्मिक जो स्वरूप है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, आर्थिक स्वरूप, हमारे अर्थ में भी, अर्थव्यवस्था हमारी भी कितनी बदल गई 1947 से अब तक के बीच में, राजनैतिक स्वरूप, हमारा राजनीतिक जो तंत्र है या राजनीतिक जो स्वरूप है उसमें कितना बदलाव हो गया, और वैज्ञानिक स्वरूप जो है कि हमारे जो वैज्ञानिक जो था उस समय हमारे वैज्ञानिक कैसे थे, या फिर उसमें वैज्ञानिकों ने क्या परिवर्तन किया, आज हमारा क्या वैज्ञानिक स्वरूप हो गया, इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले आप एक काम करिए कि इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना नोट्स घर पे बनाते चलिए, क्योंकि अगर कहा जाए तो समय बहुत अब कम हो गया है, अब समय बचा नहीं है, तो जितना आप हो सकता है उतना आप पढ़िए, और उसके बाद नहीं हो सकता है तो आप उसको अपने बुक से, किताब से आप रखिए, नोट्स रखिए, पढ़िए उसे। पहले इतने का स्क्रीनशॉट आप लीजिए, उसके बाद हम लोग इन 6 पॉइंट पे एक एक पॉइंट को करते हुए हम लोग क्लियर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए आइए, देखिए हम जो 6 पॉइंट आपको बताए थे वो 6 पॉइंट में सबसे पहले आपको बताए भी थे कि किसका स्वरूप होगा, सामाजिक स्वरूप होगा, सामाजिक स्वरूप। तो सामाजिक स्वरूप में हम देखेंगे कि भारतीय जो हमारा जो समाज है उसमें सामाजिक स्वरूप हमारा कैसा है। भारतीय समाज के रूप में देखिए क्या है कि भारत में बहुत सी जातियाँ, धर्म और वर्ग के लोग रहते हैं। हमारा जो समाज से अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय समाज में, तो भारत में सामाजिक स्वरूप हम देख रहे हैं, तो भारत में बहुत सी जातियां, धर्म और वर्ग के लोग रहते हैं, तथा जातियों के बंधन बहुत कठोर थे। जो जातियों का जो बंधन जो है वो क्या है, बहुत कठोर था या कठोर है आज भी, परंतु स्वतंत्रता के उपरांत हमारी स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद और सामाजिक न्याय की नीतियों से ये बंधन कमजोर पड़ गया। उस समय का जो हमारा जो बंधन जो था वो क्या था, बहुत ही कठोर था, हम आपस में एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए थे बहुत, परंतु स्वतंत्रता के उपरांत, जब हमारा जब स्वतंत्र जब हो गया भारत, तो स्वतंत्रता के उपरांत हमारी जो स्वतंत्रता, हमारा जो स्वतंत्रता जो था, उसके बाद हमारी जो समानता जो थी, हमारा जो समाजवाद जो था, हमारे समाज के जो लोग थे, समाजवाद जो था, और हमारे सामाजिक न्याय कि समाज में हमारे न्याय किस तरह के होने चाहिए, न्याय जो हमारे जो थे उनकी नीतियों से ये बंधन कमज़ोर पड़ गए। जब कमज़ोर जब पड़े तब उस समय क्या हुआ कि सभी जातियों एवं धर्मों के बच्चों को विद्यालय में एक साथ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के डेट में आप देखते हैं हमारे समाज में कि हमारे समाज के जिस भी वर्ग का बच्चा हो, ऐसा नहीं है कि वो अगर जाति किसी और जाति का हो, किसी और धर्म का हो, तो उस बच्चे को हम अपने समाज में, स्कूल में, विद्यालय में हम अलग कर देते हैं कि नहीं तुम इस जाति के हो तो तुम अलग विद्यालय में पढ़ो, तुम इस धर्म के हो तो तुम इस विद्यालय में पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। सभी बच्चे एक साथ जाते हैं विद्यालय में और वहाँ जा करके अपना पढ़ाई, अपना अध्ययन करते हैं। तो भाई वो कह रहा है कि एक साथ पढ़ने के अवसर प्राप्त हुए। आगे देखिए क्या है, सांस्कृतिक स्वरूप, कि सांस्कृतिक स्वरूप में क्या बदलाव हुआ। तो सांस्कृतिक स्वरूप में अगर बदलाव आप देखेंगे तो भारत में अनेक संस्कृतियां, ये भी सही बात है कि भारत में हमारे अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक संस्कृति के लोग निवास करते हैं, जिसमें कुछ भारतीय संस्कृति हैं तथा कुछ विदेशी भारतीय संस्कृति का, अब कुछ विदेशी, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जिसमें कुछ भारतीय संस्कृति हैं तथा कुछ विदेशी हैं, क्योंकि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारी जो भी संस्कृति है कुछ तो हमारी भारत की संस्कृतियां हैं, हमारे भारत की संस्कृति कुछ हैं, और उसके बाद कुछ कहाँ से ली गई हैं, कुछ कहाँ से बिलोप हो, मतलब वहाँ से आ रहा है, विदेश से हो रहा है, विदेश की संस्कृतियां हैं, वो जो संस्कृति अपनाते थे उसी संस्कृति को हम अब अपनाने का प्रयास करते हैं और अपनाते हैं धीरे धीरे। आगे क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति का अब लोप होता जा रहा है। कहा क्या जा रहा है, जो लोग कहते हैं कि हम लोग विदेश की संस्कृति को अब अपना रहे हैं, भारत की संस्कृति लोप होती जा रही है, भारत की संस्कृति अब लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, लेकिन क्या ये सत्य है, नहीं। देखिए क्या है कि होती जा रही है, तथा पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ता जा रहा है, कि जो हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति जो है, जो विदेश की जो संस्कृति है उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, हम उस संस्कृति को अपने तरफ अपनाए रहे हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं वही ये बात कहते हैं। आगे देखिए क्या है, ऐसा केवल सोचना ही है, समाज हमारा जो है वो यही कह रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं, हमारे भारतीय संस्कृति का लोप हो रहा है, हमारा समाज आज का कह रहा है, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सोच आपकी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा केवल सोचना ही है, सिर्फ सोच ही है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति अभी अपनी जगह सुरक्षित है, हमारी भारतीय संस्कृति का कहीं भी
लोप नहीं हुआ है, कहीं भी ये खत्म नहीं हुई है। हमारी जगह क्या है, सुरक्षित है, हमारी संस्कृति अपने जगह सुरक्षित है। सिर्फ हमारा समाज कहता है, सिर्फ हमारे समाज को ऐसा लगता है, सिर्फ ये लोग कहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति जैसी थी वैसी है। हम आज भी अपने संस्कृति को अपनाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि हमारी संस्कृति का लोप हो रहा है। हाँ, परिवर्तन हुआ है, लेकिन किसमें परिवर्तन हुआ है, ध्यान दीजिए, परिवर्तन आया है, परिवर्तन हुआ है, सही बात है, लेकिन किसमें आया है, वह केवल रहन सहन व खान पान के स्तर पर आया है। कि जो विदेश, जो विदेशी या पाश्चात्य जो हमारी जो संस्कृति थी, उसमें जो वो लोग जो खाना खाते थे, जो उसमें जो उनका जो रहन सहन जो था, उनके पहनने जो कपड़े जो पहने जाते थे, उनमें हम लोग क्या किए, अपने आप में सुधार कर लिए, थोड़ा उनकी संस्कृति को हम लोग थोड़ा सा ले लिए हैं। हम लोग अब उनका रहन सहन, उनका जो कपड़ा जो पहनने का है, उसको हम लोग पहन रहे हैं। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि उनकी संस्कृति को हम क्या कर रहे हैं, रहन सहन और खान पान को हम अपना रहे हैं, और न कि हम अपनी संस्कृति को भूल जा रहे हैं, न कि हम अपनी संस्कृति का लोप कर रहे हैं, न कि हमारी संस्कृति खत्म हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का एक क्या है, सोच है, सिर्फ सोचना है। इसलिए इस चीज़ को लिखवा रहे हैं, इसको हम बता करके, बोल करके भी हम भारत संस्कृति स्वरूप क्या है इसको हम बता देते, सामाजिक स्वरूप क्या है इसको हम बता देते, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग परेशान हो जाते हैं कि सर बोल करके तो आप लिखवा, मतलब बोल करके तो आप चले गए, हमको लिखना कैसे। तो आप थोड़ा थोड़ा हम पॉइंट करके इसमें और भी बढ़ा चढ़ा के आप जितना हो सकता है एक एक टॉपिक में आप लिख सकते हैं। इसको आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम करके आपको दे दिए हैं, उसमें आप और चीज़ें उसमें बढ़ा करके या उसी में और उन्हीं की बातें और रख दीजिए। इसलिए किसी में कुछ है नहीं, अपने से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या है, धार्मिक स्वरूप, कि धार्मिक स्वरूप हमारा कैसा है, हमारे भारतीय समाज के अनुसार हमारा धार्मिक स्वरूप कैसा है। तो भारत में अनेक धर्म प्रचलित है, अनेक धर्म के लोग हैं, तो अनेक धर्म प्रचलित हैं जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्रमुख है। कहा भी जाता है कि हमारे भारत जो समाज है, भारतीय जो लोग हैं, उसमें क्या है, अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं, अनेक धर्म के लोग प्रचलित हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। और उस धर्म में कौन कौन से धर्म हैं, मेन प्रमुख रूप से जो माने जाते हैं वो हिंदू माने जाते हैं, मुस्लिम माने जाते हैं, और सिख और ईसाई। ये चार जातियों को, चार धर्मों को, जातियां नहीं कह सकते हैं, इन चार धर्मों को हम प्रमुख रूप से क्या करते हैं, हम रखे हैं, जानते हैं, मानते हैं। इनके भी अनेक कई प्रमुख संप्रदाय हैं, इनके अलग अलग संप्रदाय हैं, इनके अलग अलग संस्कृतियां हैं, इनके अलग अलग उस भी संस्कृति में, उस भी जो इनका जो धर्म है, उस धर्म में ही अलग अलग जाति हैं, अलग अलग, जैसे हमारा हिंदू धर्म ही है, इसमें तमाम अलग अलग जातियां हैं, मुस्लिम है, उसमें भी अलग अलग जातियों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, सिख ईसाई इनको भी अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है, इस धर्म को भी अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है। तो वही कह रहा है कि अपने कई मुख्य संप्रदाय हैं, इनके भी कई मुख्य संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग जातियां हैं। आगे देखिए क्या है, जो आपसी टकराव के कारण भी होते हैं, कभी कभी आपसी टकराव जैसे हो जाता है तो आपस में जातियां क्या हो जाती हैं, आपस में अलग अलग जातियां अलग अलग अपने से आपस में टकराव हो जाती है, अपने में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। और इस्लाम कट्टरवादी धर्म है, माना जाता है, हमारा समाज मानता है, भारतीय समाज मानता है कि इस्लाम जो होते हैं वो क्या है, कट्टरवादी धर्म है। उनमें शिया और सुन्नी, इस्लामी जो धर्म होते हैं उस इस्लामी धर्म में, इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए कि शिया और सुन्नी ये जो धर्म के जो लोग होते हैं, ये जो जाति के जो लोग होते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, ये लोग आपस में क्या होने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। इतना कि आप स्क्रीन शॉट एक बार लीजिए। चौथा पॉइंट आप देखिए क्या है, धार्मिक आर्थिक स्वरूप, सॉरी आर्थिक स्वरूप, क्योंकि हम लोग धार्मिक स्वरूप पढ़ लिए हैं। चौथा हमारा पॉइंट है आर्थिक स्वरूप, कि हमारे भारतीय समाज में आर्थिक स्वरूप में क्या बदलाव हुआ है, हमारी आर्थिक स्वरूप की क्या जरूरत है, आर्थिक स्वरूप हमारा क्या है। तो देखिए क्या है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, भारत जो हमारा है इसको हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि आर्थिक स्वरूप में कि हमारा भारत है, हमारा जो देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। कृषि का तकनीकी एवं वैज्ञानिकीकरण हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो कृषि जो होता था पहले जो होता था, उस समय से आज की स्थिति में हमारे क्या हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। किस स्तर पर परिवर्तन हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो कृषि हमारा जो है वो तकनीकों के माध्यम से और वैज्ञानिकीकरण के माध्यम से, हमारे जो वैज्ञानिक हैं अलग अलग तकनीकी, अलग अलग खोज, अलग अलग मशीनें लाए हैं। आप देखे थे पहले किसान, मतलब जो खेत जो होता था या जो कृषि जो होती थी, उसमें बहुत सारे बहुत परिश्रम होता था। एक मानव कम से कम एक, अगर थोड़ा सा खेत अगर हमको खेती करना है या कृषि अपना करना है वहाँ पे, तो उसमें हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, हमारे तकनीकों के माध्यम से जो वैज्ञानिक हमारे लिए जो सुविधाएं, साधन संसाधन जो हमारे लिए प्रयोग जो कर दिए हैं, उपयोग जो, तो उन उपयोगों से हम क्या करते हैं, अपने कृषि को आसान कर लिए हम, बहुत कम लागत में, बहुत कम खर्च में, और हम बहुत पैदावार कर सकते हैं, अपनी कृषि से हम बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जिनमें कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है,
सही बात है कि हमारे कृषि उत्पादन से भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, पहले इतनी वृद्धि नहीं होती थी। जब संसाधन हमको मिलेगा कम समय में, काफ़ी खर्च हम मतलब काफ़ी हम उपयोग कर सकते हैं उसका, काफ़ी हम अपने आप को आय व्यय आय अपना स्रोत बना सकते हैं कृषि को, तो काफ़ी परिवर्तन होगा ही, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जब उत्पादन में वृद्धि होगा, मान लीजिए कि आप अगर कृषि कर रहे हैं, आप अगर किसान हैं, अगर आप किसान हैं तो आपके किसान में आर्थिक क्या होगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो आप उसको बेचेंगे तो आप में क्या होगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधार होगी। तो वही कहा जा रहा है कि आर्थिक स्थिति में भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है, और आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति सुधरने से जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। जब भी आपकी आर्थिक स्थिति जब भी आपकी सुधरेगी तो आपके क्या होगा, जीवन स्तर भी सुधार होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर आपकी सही नहीं है तो आपका जीवन स्तर भी क्या है, थोड़ा सा निम्न हो जाएगा, आप उतनी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए पॉइंट क्या है इसमें, आप जितना बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहें, आपका भारतीय समाज जो है इसमें आप जितना भी बढ़ा चढ़ा के आप लिखना चाहें, 6 पॉइंट हैं, 2-4 पॉइंट आप पेपर में डाल दीजिए और उसी में आप जितना बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहें अपनी कॉपी को आप भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, बहुत आसान टॉपिक ये होता है, क्योंकि आपके दैनिक जीवन की ये चीज़ें हैं, कोई भी ऐसा नहीं, आप समाज में रहते हैं, आप अपने समाज को जानते हैं, समाज से कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ समाज से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए क्या है, राजनीतिक स्वरूप, भारत एक प्रजातंत्र राष्ट्र है। हमारा जो भारत है राजनीतिक स्वरूप में अगर हम देखेंगे कि हमारा राजनीतिक स्वरूप क्या है भारतीय समाज में, तो हमारा जो भारत है वो प्रजातंत्र राष्ट्र है, प्रजाओं का राज्य है, राष्ट्र है, यहाँ पर जनता द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। भारत जो हमारा है उसमें जनता जो भी होती है उनके द्वारा ही उनका राष्ट्र क्या होता है, चलता है। जनता अगर चाहेगी जो चाहेगी वही होगा, जिनका चाहेगा उन्हीं का सत्ता आएगा, जिनको वो चाहेंगे उन्हीं को लाएंगे अपने सत्ता में। तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जनता द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है, परंतु आज राजनैतिक वातावरण, आज का जो वर्तमान समय का जो हमारा जो राजनैतिक जो वातावरण है, इतना दूषित हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि घोटाले खरीद फरोख्त द्वारा सरकार बनाना, बिगाड़ना, लाभ प्रेरित गठबंधन, ये सब इनके पर्याय बन चुके हैं। कहने का मतलब समझिए कि राजनैतिक जो वातावरण है इतना दूषित हो चुका है, हमारी जो जनता ही जो है, हमारा जो समाज जो है, ये जिसको चाहेंगे जिनका चाहेंगे उन्हीं का सत्ता आएगा। लेकिन उसमें गंदगी कहाँ से आई है, इसमें गंदगी यहाँ से आई है कि वो ये नहीं सोचते हैं कि नहीं हाँ इनकी सरकार आएगी तो हमें ये लाभ मिलेगा, वो ये सोचते हैं कि हमको कितना लाभ मिलेगा तो इनकी हम सरकार लाएँ। वो पढ़े लिखे व्यक्ति को या फिर वैसे लोगों को नहीं लाना चाहते हैं। अभी जैसे अगर चुनाव की बात आ जाए तो लोग यही कहते हैं कि आपको हम 500 रुपये दे दें, 1000 रुपये दे देते हैं, तुरंत आपका वोट क्या होता है, बदल जाता है। अच्छे जो व्यक्ति को जहाँ देना चाहिए, जो व्यक्ति विकासशील होता है, जो व्यक्ति कार्य करता है, उस व्यक्ति को नहीं जाता है, वो व्यक्ति कहाँ चला जाता है, वोट आपका दूसरे जगह चला जाता है। आप अपनी राष्ट्र अपना किसके, दूसरे को बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया है, घोटाला खरीद फरोख्त, काफ़ी घोटाले हो जा रहे हैं, काफ़ी खरीद फरोख्त हो रहे हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, द्वारा सरकारें बनाना, हम ही सरकार बनाते हैं, हम ही बिगाड़ते हैं, हमारे ऊपर ही है, हम उनको घोटाले में घोटाला उनका कर देंगे, उनको बर्बाद कर देंगे, बना देंगे, उनको हम चाहेंगे तो बहुत अच्छा उनको बना देंगे। तो यही सब क्या है, इनके पर्याय बन चुके हैं आजकल। तो राजनीतिक स्वरूप भी आप समझ गए। अगला देखिए क्या है कि वैज्ञानिक स्वरूप, कि वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैज्ञानिक स्वरूप में, आप जितना चाहें उतना बढ़ा के लिख सकते हैं, खैर पॉइंट तो सब में लिख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक स्वरूप बिल्कुल एकदम समझने लायक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। क्या कह रहा है कि आज का वैज्ञानिक स्वरूप हमारी कल्पनाओं से भी बहुत आगे विकसित हो चुका है। सही बात है, हम जितना कल्पना भी नहीं कर चुके थे कि हम इस स्थान पर रह सकते हैं, क्या हम कभी कल्पना किए थे कि हम एसी आ सकती है हमारे यहाँ, हम हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं, क्या हम बसों में, ट्रकों में हम घूम सकते हैं, क्या हम अपने घरों में एकदम बैठ करके हम आज मोबाइल से बात कर सकते हैं या हम वीडियो बना सकते थे यूट्यूब पे, क्या ये सब की कल्पना की जा सकती थी, पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज वो हमारे सामने है। मैं आपको ऑनलाइन क्या होता था पहले, कि कभी पहले के लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि हमारे पास मोबाइल होगी और मोबाइल से पढ़ा करके और काफ़ी बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं एक साथ। आज लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, लेकिन फिर भी बच्चे अपना हम बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं या काफ़ी टीचर उसमें अध्ययन कर सकते हैं, करा सकते हैं, अपने भी हम पढ़ सकते हैं। क्या इसको हम कभी सोचे थे, कभी कल्पना भी नहीं किए थे। तो वही कहा जा रहा है कि आज का वैज्ञानिक स्वरूप हमारी कल्पनाओं से भी बहुत आगे विकास कर चुका है। तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये देखिए तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आदि अनेक क्षेत्रों में विश्व पटल पर हमारा देश दूसरों को चुनौती दे रहा है। आप देख भी रहे हैं कि वहाँ मिसाइल ये बन रही है, वे मिसाइल बन रही है,
काफ़ी क्या हो रहा है, दूसरे देश को चुनौती भी दिया जा रहा है। वो अगर कह रहे हैं कि हम भारत को उड़ा देंगे तो भारत भी अपने आप को चुनौती दे रहा है कि मैं भी आपको उड़ा दूंगा, आप देख रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि अब हमारा जो भारत देश है, हमारा जो समाज है, ये दूसरे देश को चुनौती भी दे रहा है। हमारा वैज्ञानिक स्तर, वैज्ञानिक स्वरूप, इतनी मिसाइलें, इतनी चीज़ें तैयार हो रही हैं कि हम आप अपने आप को इतना मजबूत हो चुके हैं आज के डेट में कि इस चीज़ को हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे, और हम दूसरे देश को चुनौती भी दे रहे हैं। भाव पक्ष का पतन हो गया है, जो भाव पक्ष हमारा जो था उसका क्या हो गया है, पतन हो गया है। विज्ञान जितना चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है उतना ही मनुष्य का नैतिक मूल्यों का पतन भी होता जा रहा है। कहने का मतलब यहां समझिए क्या है कि भाव पक्ष का पतन होता जा रहा है। विज्ञान जितना चरमोत्कर्ष पर है, हमारा विज्ञान क्या है आप देख रहे हैं, बहुत चरमोत्कर्ष पर है। हम जिस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते थे वो सभी चीज़ें हमको आज प्राप्त हो रही हैं, हमको मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मनुष्य जो है, इस मनुष्य का नैतिक मूल्य, हमारा जो नैतिक मूल्य है, हमको जो रहने सहने आज भी देख रहे हैं कि कोरोना की स्थिति फैल गई है, हमको आज लोग कह रहे हैं कि अब पेड़ लगाइए, हमको हवा की, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये क्या हो रहा है, जो मनुष्य है, मनुष्य का नैतिक मूल्यों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है, वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक हमारा जो चरमोत्कर्ष पर जो है, विज्ञान के कारण हमारा जो विज्ञान जो चरमोत्कर्ष पर है, वैज्ञानिक अलग अलग तमाम तरह की चीज़ें खोज रहे हैं। अगर ये चीज़ें न खोज, मतलब खोज तो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना वो खोज कर तो रहे हैं लेकिन उससे प्रदूषण और इतनी चीज़ें हो जा रही है। पेड़ जैसे घर बनवाने, मकान तमाम लोग बढ़ रहे हैं, अपना घर मकान बनवाने के लिए पेड़ कटवा दे रहे हैं, जंगल का जंगल खत्म हो जा रहा है, वहाँ लोग निवास करने लग रहे हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हमको वायु, ऑक्सीजन सब कुछ क्या होगी, कमी हो रही है। तो हमारा मनुष्य का नैतिक जो मूल्य हो उसका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। समझने का मतलब ये समझिए। तो यहाँ चीज आप इसको, ये 6 पॉइंट है, इसको आप एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए। और हम आशा करते हैं कि आज हम शिक्षा और समकालीन भारतीय समाज, ये हम लोग का कंप्लीट आज हुआ एक टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक अगले वीडियो में, लेकिन इसको आप ध्यान दीजिए। काफ़ी लोग एक चीज़ और परेशान हैं कि पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या है, आप परेशान मत होइए। अगर टाइम मिला तो हम आपको पेपर भी कराएंगे। एक्चुअली पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि अब वो क्या करेंगे, लेकिन पेपर ऐसा थोड़ी है कि जो क्वेश्चन वो पूछते थे क्वेश्चन हटा देंगे। जो टॉपिक जैसे पूछने का है कि शिक्षा और समकालीन भारतीय समाज क्या है, क्या इसको हटा देंगे, टॉपिक हटा देंगे, कोई और टॉपिक ला देंगे क्या, जो सिलेबस में है वही आएगा। हाँ, एक चीज़ है कि जो पहले के पेपर में 10 क्वेश्चन होते थे, कितने क्वेश्चन होते थे, 10 क्वेश्चन होते थे 60 क्वेश्चन में, जो 60 पहला क्वेश्चन में 10 होते थे, ये 1 2 इस तरह करके रोल नंबर का 1 2 3 4 करते हुए 10 रहते थे, वो आपका हो जाएगा 5। और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 होता था वो आपका हो जाएगा, 8 की जगह 4 हो जाएंगे। उस 4 में आपको 2 करना होगा, पहले 8 होते थे तो 4 करना होता था, अब आपको 4 मिलेगा और 2 करना होगा। हम आपको पेपर भी अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसा पेपर है, किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है, उसको भी आप क्लियर कराएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।